हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं शुभम कुमार, सभी का शुभम डॉट एस एस पी पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की मिट्टियाँ। भारत की मिट्टियों के बारे में जितनी भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनने वाले हैं, किसी भी एग्ज़ाम में, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, सारे एग्ज़ाम में जितने भी बिहार की, भारत की मिट्टियाँ से बनेंगे सवाल, सारे सवाल को आज हम लोग देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को तो क्लिक कर लीजिए और लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़। तो इसका सूत्र है, एक याद रखिएगा, जला कर लौट। जैसे जलोढ़, लौ से लेटराइट, कर से काली, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, ये पहला उसका क्रम है। सॉरी, पुरानी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भांगड़ के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तरी मैदान पूछ है, उत्तर तरफ मृदा कौन सी बनी, कैसी बनती है? तलोक्षण से बनती, मतलब मिट्टी कटने से जो बनती है उसको तलोक्षण कहते हैं। देखते हैं गंगा के जलोढ़ मिट्टी, पूछा है गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग 600 मीटर तक है। गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग 600 मीटर है। गंगा के मैदान को पुरानी कछारी मिट्टी कहती है, बांगड़। गंगा की मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसे बांगड़ मिट्टी कहलाता है। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? लाल मिट्टी में न्यूनतम उर्वरक चाहिए होता है। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीप भारत में अधिकतम क्षेत्र में पाई विस्तृत है? प्रायद्वीप भारत मतलब दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में कौन सी अधिकतम क्षेत्र पर विस्तार है? काली मिट्टी। कपास के खेती के लिए, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी अच्छी होती है? काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। लावा मतलब जैसे ज्वालामुखी वो होते हैं ना, उनसे जो निकलती है क्रेटर से। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? अभी हमने देखा ये नंबर कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, तो काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? कपास के लिए। किस मिट्टी में, पूछा है किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। भारत के किन मिट्टियों में वेसाल्ट लावा के अवक्षय के कारण निर्मित हुई है? ये क्वेश्चन कहाँ पूछा है? यूपी पीसीएस और यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर प्री में पूछा है। तो पूछा है बेसाल्ट लावा अवक्षय के कारण बनती है, कौन से बनती है? रेंगूर मिट्टियाँ बेसाल्ट लावा के अवक्षय से बनती है। यहाँ पूछा है रेगुर किसका नाम है? रेगुर है जो है काली मिट्टी का ही नाम है। काली मिट्टी का स्थानीय रूप से रेंगुर या कपास मिट्टी या उष्ण कटिबंधीय चरनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को क्या क्या जाना जाता है? रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी, और ये उष्ण कटिबंधनीय चरनोजन मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को इतना नाम है। इस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि नमी रख कर बनती है। अभी हम लोग पढ़ा था ना इससे पहले, किस मिट्टी में सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो काली मिट्टी होती है। और ये कहाँ पूछा है? यूपी पीसीएससी प्री 2010 में और छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2003 में पूछा है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, और होती भी है तो कम होती है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, लाल मिट्टी, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, लेटराइट मालाबार तट। मालाबार यहाँ कहाँ हुआ? केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार, केरल के तट को मालाबार कहा जाता है। भारत में कौन सी मृदा समूह लोह के अतिरिक्त होने के कारण अनुवर होता है? मतलब लोहे का अतिरिक्त होने के कारण
अतिरिक्त होता है उसे क्या कहते हैं, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक पाई जाती है। धान की खेती के लिए अति उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? धान की खेती के लिए तो दोमट मिट्टी होती है। धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयोगी होती है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है कैसे? वन रोपण द्वारा। वन रोप देंगे तो मृदा रोक कटना बंद हो जाएगी। गंगा के किनारे जहाँ जहाँ बाढ़ आती है, मृदा कट जाती है, उनके किनारे बहुत सी झाड़ी नुमा वृक्ष लगाने चाहिए। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले उपलब्ध मृदा का प्रकार है? महाराष्ट्र में कौन सी मृदा सर्वाधिक पाई जाती है? काली मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रों पर पाई जाती है। काली मिट्टी। मखरेला लेटराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है? निथरल लिंचिंग का। अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से जाके, टेलीग्राम पर भी एक चैनल है वहाँ पर मिल जाएगा, या व्हाट्सएप में भी एक चैनल बना है वहाँ पर आपको ये टिक मारा हुआ मिल जाएगा। मैं इसको भेज दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने हैं? चंबल की नदी में सबसे ज़्यादा खड्डे होते हैं, ऐसे 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 कहीं बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, कहीं ऊंचे हैं, तो कहाँ है? अवनालिका गली के द्वारा। अवनालिका गली के द्वारा। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है? जिसमें जिप्सम का प्रयोग, अम्लीय अगर मिट्टी है ना तो उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जा सकता जाता है और उपयोगी बनाया जाता है। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राजस्थान। अंतर्द्रवणीय लवण भूमि राजस्थान है। अब हम लोग अगले वीडियो में सिंचाई के साधन के बारे में पूछेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए, किसी भी एग्ज़ाम यानी BPSC, PCS, PCS लेवल की एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न, ये नहीं कि कुछ से कुछ। तो अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ सुझाव हो कोई भी टॉपिक, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक हैं, लगभग 100-200 टॉपिक हैं, सब चीज़ों से हम आपको पढ़ाएंगे और उनका पीडीएफ देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।